हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी साथ साथ करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिक आता है, बेसिक पढ़े होंगे, मेहनत किए होंगे साल भर, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। बट मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा उसके आसपास के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा, जिससे आपका जो है एक बार रिव्यू हो जाए माइंड से, जो कॉन्सेप्ट है वो रिकवर होके उसको समझने में ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो एवरेज थर्मल एनर्जी या फिर मोनोएटॉमिक गैस। अब मोनोएटॉमिक गैस है, उसकी एवरेज थर्मल एनर्जी है। बेसिकली क्या ये केटीजी का क्वेश्चन है। और अब गैस की जो एवरेज थर्मल एनर्जी है उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। याद है गैस की एवरेज थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाई टू। और ये एनर्जी जो एवरेज थर्मल एनर्जी है आइडियल गैस की, दैट्स ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशनल। क्योंकि यार हमने जो मॉलिक्यूल्स था उसका जो मास था उसको हमने पॉइंट मास एज्यूम किए थे। ठीक है, मॉलिक्यूल को हमने पॉइंट मास लिया था। अब पॉइंट मास यार क्या रोटेट करेगा, इसका रोटेशनल जीरो, वाइब्रेशनल जीरो, और ये मास किसी दूसरे से इंटरेक्शन रखता नहीं आइडियल गैस के पोस्टुलेट से। तो इसके पास जो भी एनर्जी है दैट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशनल। अब आपको याद है मोनोएटॉमिक जो गैस है, जो मोनोएटॉमिक गैस है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होती है एट लो टेम्परेचर। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या दिक्कत है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और वाइब्रेशन बढ़ने से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर होने लगेगी, और वाइब्रेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाई टेम्परेचर है, एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करोगे तो ये मोनोएटॉमिक का 5 आ जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इनडिपेंडेंट मोशन कितने तरह से पार्टिकल कर सकता है। अब आर एक सिंगल पार्टिकल है, वो बड़े आराम से एक्स में घूम सकता है मजे से, बड़े आराम से वाई में जा सकता है, और बड़े आराम से जेड में भी घूम सकता है। तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास जो एवरेज एनर्जी है वो KT/2 है। तो KT/2 और KT/2 प्लस KT/2 इज इक्वल टू 3 KT/2। इस टाइप के कुछ दैट इज फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, समझ में आ गया।